हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गर्मियों की एक स्पेशल वाली सब्ज़ी टिंडे। देखिए, कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जो सीजनल होती हैं और वो सीजन में ही आती हैं और सीजन में ही वो स्वादिष्ट भी लगती हैं, जैसे कि टिंडे हो गए, तुरई हो गई, घिया या फिर करेला। ये सब्ज़ियाँ गर्मियों में आती हैं स्पेशली, लेकिन हमारे घर के बच्चे या कई बार बड़े भी इन सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते। तो आज बहुत अच्छा तरीका मैं आपको टिंडे बनाने का बताऊंगी, जिससे आपके घर के बच्चे बड़े सभी उंगलियां चाट चाट के इस सब्जी को खाएंगे। तो आइए फिर सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो टिंडा लिया है, ये देसी वाला टिंडा है। टिंडे भी दो तरह के आते हैं, एक तो चपल टिंडा और एक ही अपना देसी वाला टिंडा। लेकिन जो गोल वाला ये देसी वाला टिंडा होता है, इसकी सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब इसको हम धो के इसको पतला पतला सा छिलका इसका उतार लेंगे। अगर आपका बिल्कुल ही कच्चा टिंडा है तो आपको इसको छिलका उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इनको क्लीन करने के बाद इसको हम अब काट लेंगे और काटने के बाद इसको हमें फ्राई करना है। अगर आपने एक बार इस तरीके से सब्जी बनाई ना, तो 100% आपके घर में सभी को पसंद आएगी, बहुत स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। और ये गर्मियों में ही आपको मिलेंगे। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। बहुत ज़्यादा आपको तेल नहीं लेना है। और जो हमने टिंडे काट के रखे थे, अब उसको हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे रख के इनको धीरे धीरे हमें फ्राई होने देना है, जब तक इस पे से एक ब्राउन सी परत ना आ जाए। और जब तक हमारे टिंडे फ्राई होंगे, हम बाकी की तैयारियाँ कर लेंगे। तो मैंने ले लिया एक मिक्सी का जार, इसमें डालेंगे हम 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 बड़े प्याज, 1 टुकड़ा अदरक का। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हमें दरदरा सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक इसका पेस्ट नहीं करना, एकदम आपको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। 2 बार पल्स मोड पे करके मैंने मिक्सी को चला दिया था। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक भी प्याज काट सकते हैं। अब हम करेंगे एक मैजिक मसाला बना के तैयार। तो इसके लिए ले लिया है मैंने आधी कटोरी फ्रेश दही। दही आपको बिल्कुल ताज़ी ही लेनी है, खट्टी वाली दही नहीं लेनी। इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जैसे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1/2 चम्मच या फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं रेगुलर वाली लाल मिर्च, या हरी मिर्च भी डाली जा सकती है। 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। और सभी पाउडर मसालों को हमें दही के साथ अच्छे से फेंट के दही को बिल्कुल चिकना कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। ये मसाले वाला दही जब सब्जी में जाएगा, तो अपने आप ही सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाने वाला है। तो देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं दही के साथ, बिल्कुल चिकना हो गया दही। और इधर जो हमने टिंडे फ्राई करने के लिए रखे थे, ये भी एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं। अब इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह का कलर आने तक हमें इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें टाइम नहीं लगता, आपको मैक्सिमम 4 से 5 मिनट ही लगेगी। इस सब्जी को आप किसी स्पेशल ओकेजन पर भी बना सकते हैं। तो जब इस तरह से आपके टिंडे हो जाएं ब्राउन से, तब आप इनको एक प्लेट में निकाल लें। चाहे तो आप एक जाली में भी निकाल सकते हैं, जो स्ट्रेनर वगैरह होते हैं, ताकि जो अगर कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल भी इसमें होगा तो वो भी इसमें निकल जाता है। और जो तेल बच गया है, इसी में हम अपनी सब्जी बना लेंगे। अब इस सब्जी को बनने में मैक्सिमम 5 ही मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि टिंडे हमारे बिल्कुल यहाँ पर पक चुके हैं। ये जो बचा हुआ तेल था, इसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। तेल हमारा गर्म ही था, तो इसमें हमने डाल दी 1/2 चम्मच ये जीरा। और जब जीरा हल्का सा चटक जाएगा, तो इसमें हमने जो प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा है, वो डाल देंगे। और इसी जार में हम 2 टमाटर को भी पीस लेंगे। प्याज को हमें पकाना है जब तक कि इसका पूरा कच्चापन ना निकल जाए और ये हल्की सी ब्राउन ना हो जाए। प्याज यहाँ पे हमारी अच्छे से देखिए भुन चुकी हैं। अब जो 2 टमाटर का हमने पीस लिया था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और साथ के साथ जो हमने मसाले वाला दही तैयार किया है, वो भी अभी हम डाल देंगे। और अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है, जब तक कि
अच्छे से इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि बीच में अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो क्या होगा, दही हमारा फट जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो दही के साथ एक दो चम्मच मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ढक दूंगी क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उछटती है। और अभी देखिए मसाले में उबाल आ गया है। अभी तक मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला है, तो अब इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। आप चाहें तो इसमें आधी चम्मच के जितना गुड़ भी डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि दही में थोड़ी सी खटास है तो। और अब इसको अच्छे से कर देंगे हम मिक्स, और थोड़ी देर अब सब्जी को ढक के पका लेंगे। ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इस तरह से क्रश करके, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह आप हरा धनिया भी काट के डाल लें। देखिए कितना बढ़िया मसाला तैयार हो गया। बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है, और दही डालने से ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है ना, बहुत ही यम्मी। तो 4-5 मिनट तक मसाले को पकाने के बाद अब जो हमने अपने टिंडे फ्राई करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। एक बार अच्छे से इसको मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। सब्जी का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, और देखने में कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। कुछ भी आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना, लेकिन जो आपकी सब्जी बनके तैयार होगी ना फाइनली, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच का जितना ये ऊपर से गरम मसाला डाल दिया, आप कोई भी सब्जी का मसाला भी डाल सकते हैं। और इस सब्जी के सामने आपको पनीर की सब्जी भी फीकी लगने वाली है गारंटी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है सब्जी ये। सब्जी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितनी गाढ़ी या फिर पतली चाहिए, या फिर आप रोटी चपाती या फिर राइस के साथ खा रहे हैं उसी के हिसाब से। और हमारे स्वादिष्ट बिल्कुल शादियों वाले टिंडे बनके तैयार हो गए हैं। इसे आप गर्मा गर्म चपाती या फिर पराठे के साथ इंजॉय कीजिए। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको एक बार लाइक कर दें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मैं आप सभी से मिलूंगी एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो, नई रेसिपी आए, आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए बिना किसी इंतज़ार के। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई रेसिपी के साथ।